गीता में एक श्लोक आता है, तद विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेविया। तद विद्धि, तद यानी उस ज्ञानी को, विद्धि यानी जानो, परिप्रश्नेन सेविया जिज्ञासा के द्वारा और सेवा करके निष्कपट भाव से। उपदेशन दिते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शन, मुझे वो उपदेश देंगे, ज्ञान का उपदेश देंगे और मुझसे तत्वदर्शियों का ज्ञान प्राप्त करके ऊंचा हो जाएगा। अर्जुन असमंजस में है, असमंजस में बैठे हुए अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश कि अपने से बड़े महापुरुषों के पास जाओ, जाकर बैठो, निष्कपट भाव से, सेवा भाव से उनसे प्रश्न पूछो और उनके जवाब प्राप्त करो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष उसकी वैचारिक उम्र की शुरुआत में मूल्य आधारित जीवन पर विधानसभा में चर्चा हुई थी, उसको बुलाया था, मैं उसके समापन संबोधन में गया था। मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने बड़ी सार्थक चर्चा की। हमारे देश में जो परंपराएं रही हैं उसमें धर्म तत्व और राजतंत्र दोनों की समान भूमिका रही, सशक्त भूमिका। धर्म तंत्र सलाह देता था, आदेश देता था, विचार विमर्श करता था और वशिष्ठ दशरथ, वशिष्ठ राम परंपरा जो थी इसी प्रकार की परंपरा, इसी परंपरा के अंतर्गत हमारे देश में इतने महत्वपूर्ण निर्णय हुए और उन्हीं निर्णयों के माध्यम से हमारा देश जगत गुरु बना। भारतीय संस्कृति बड़ी महान संस्कृति, हमारे यहाँ दो शब्द हैं, संस्कृति और सभ्यता। सभ्यता विज्ञान से जुड़ी है और संस्कृति अध्यात्म से जुड़ी है। संस्कृति विद्या से जुड़ी है और सभ्यता शिक्षा से जुड़ी है। आज हमने शिक्षा पे, सभ्यता पे बहुत ज़्यादा जोर देना चालू कर दिया और हमने संस्कृति और विद्या में जोर दे दिया। संस्कृति और विद्या यदि हमारे जीवन में उतरेंगी तो हमारे जीवन में विनय आएगा, प्रामाणिकता आएगी, हमारा जीवन पारदर्शी बनेगा, विभिन्न प्रकार के घोटाले नहीं होंगे, विभिन्न प्रकार की समस्याएं नहीं पैदा होंगी। विद्या और संस्कृति को स्थापित करने के लिए ये कुंभ का आयोजन है और इस विद्या और संस्कृति की स्थापित करने के लिए मैं समझता हूँ विश्वविद्यालयों का विश्वविद्यालय आज पिछले एक महीने से यहाँ काम कर रहा है, जो यहाँ का कार्य करते करते समापन करेगा। मैं इस सिंहस्थ में आकर आह्लादित हूँ, प्रसन्न हूँ और मुझे बहुत अंदर से एक संतोष मिला है कि निश्चित रूप से भविष्य, भारत का भविष्य बड़ा उज्ज्वल। वी आर ऑल पासिंग थ्रू ग्रेट मोमेंट्स ऑफ चेंज, हम लोग सभी परिवर्तन के महान क्षणों से गुजर रहे हैं और परिवर्तन के महान क्षण आने वाले 10 वर्षों में आपको दिखाई पड़ेंगे जब भारत सारे विश्व का नेतृत्व कर रहा होगा, जगत गुरु की तरह से पूरे विश्व में उसका गंगा पहुंचेगा और उसका आधार बनेगा ये सिंहस्थ, जहाँ पर आप चर्चा करेंगे, जहाँ विचार विमर्श करेंगे। इसलिए ये जो 2016 से लेकर 2026 तक का समय है बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है।